व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले कि ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट और लॉस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई, एनहेंस, एक्वायर, कॉपी, शेयर। Creator even allow use to manipulate and change the software program or application work. कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एनहेंस कर सकते हैं, एक्वायर कर उसको यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट और शेयर कर सकते हैं, और उसको अगर आप प्रोग्रामर हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कोडिंग ऐड करके, तो वो ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग जनरल लाइफ में बहुत से ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि ये ओपन सोर्स कोड है, और हमें कोड के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर नहीं हैं। अगर प्रोग्रामर होंगे तो वो लोग बिना खरीदे हम बहुत से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं और उसको हम चेंज, मॉडिफाई, शेयर और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। आप जनरल यूज में MS Office यूज करते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर हमारे पास MS Office नहीं होता तो ना हम वीडियो बना पाते, ना हम स्क्रिप्ट लिख पाते, ना हम कोई वर्ड का काम कर पाते, ना हम एक्सेल कर पाते, ना हम कोई प्रेजेंटेशन बना पाते। तो MS Office एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हमारी बहुत अधिक हेल्प करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। शेयर लार्ज फाइल, और आपको बड़ी से बड़ी फाइल आप इजिली शेयर कर पाते हैं, जैसे uTorrent एंड eMule करके सॉफ्टवेयर है जो बड़ी से बड़ी मूवी को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि लोग कॉपीराइटेड चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। गेट क्रिएटिव, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और फ्री का सॉफ्टवेयर है तो आप कुछ ना कुछ उससे सीखते जरूर हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मेक योर फोटो लुक प्रोफेशनल, कैसे क्रिएटिविटी बढ़ती है? आप अपनी फ़ोटो को प्रोफेशनल ढंग से बना सकते हैं, उसमें कुछ स्टिकर ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी फ़ोटो को ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी बना लेगी। और बहुत से फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम अपनी वॉइस को और वीडियो को भी मॉड्यूलेट कर लेते हैं। फ्री वीडियो क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप वीडियो जब बनाते हैं तो आप हर समय परचेज वर्जन नहीं यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स ऑप्शन यूज़ करके अपने वीडियो को बनाते हैं और ऑडियो को एडिट करते हैं। एंड दिस इज़ अ हाई क्वालिटी मूवी साउंड फाइल विदाउट स्पेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर, और आप क्रिएट कर लेते हैं अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स, अच्छे से अच्छे आप वीडियो और साउंड क्वालिटी को आप चेंज कर पाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को आप हटा पाते हैं जो फालतू की है, इसमें फालतू की वॉइस को आप कम ज़्यादा कर पाते हैं। ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है आपको अवेलेबल है, इस पर आप काम करते हैं। गेट क्लिकिंग, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स आर ओपन सोर्स देमसेल्स विच गिव यू काउंटलेस पॉसिबिलिटी फॉर कस्टमाइजेशन। यू आर नेवर मोर देन अ फ्यू क्लिक्स अवे फ्रॉम डाउनलोडिंग एंड यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर एंड मोर फन। अब अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करके अपने काम को ईजी कर पाते हैं और यूज़र फ्रेंडली ओपन सोर्स होते हैं। What are the different type of open source software? Open source software के different type होते हैं, जैसे open source office software जो हमने अभी आपको बताया, MS Office, open source accounting software जैसे Tally है, Busy है, और भी बहुत से हैं।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आपका देखिए विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्रीली अवेलेबल है, डॉस अवेलेबल है, लाइनक्स अवेलेबल है, रेड हैट अवेलेबल है, और ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर, अब आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट है सॉफ्टवेयर बनाने, वेबसाइट बनाने के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको यूज़ करके आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, आप गूगल पे वेबसाइट ब्लॉग्स बना सकते हैं। ओपन सोर्स ब्राउज़र एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, अब ब्राउज़र आपको अवेलेबल है मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स क्रोम, और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन अवेलेबल है जिससे आप चैटिंग कर सकते हैं या कम्युनिकेट टेक्स्ट से मैसेज भेज सकते हैं। ओपन सोर्स आईटी सिक्योरिटी, और आपको सिक्योरिटी के बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इमेज मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल हैं डिफरेंट, तो ये ओपन सोर्स बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इसकी वजह से हम अपने काम को इजीली कर पाते हैं। व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज्ड, देयर इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज, कहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो जनरली हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको यूज करते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये आपको कोई भी सेटअप नहीं रखना पड़ता है सिवाय आपको कीबोर्ड और मॉनिटर यूज करना पड़ता है, आपको सीपीयू की जरूरत नहीं होती है, आपको सर्वर पर क्लाउड मिल जाता है फैसिलिटी जिसमें जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस का हर काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। सम यूजफुल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लाइक ओन क्लाउड एंड नेक्स्ट क्लाउड अदर ओपन सोर्स, तो आपके पास अगर क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी है तो आपको कीबोर्ड और मॉनिटर बस रखना लगे पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, लिब्रा ऑफिस है, GNU लिनक्स है, VLC मीडिया प्लेयर है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, जिंक है, VNC है, अपाचे वेब सर्वर है, जावा की भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत अधिक हैं, तो इसको यूज़ करके हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादातर आप उसमें से वीडियो बनाना VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते होंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज लेसर हार्डवेयर कॉस्ट, अब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे तो आपको सीपीयू नहीं रखना पड़ेगा, हार्ड डिस्क नहीं रखना पड़ेगा, आपको सारा बैकअप क्लाउड्स में बनेगा, प्रिंटर नहीं रखना पड़ेगा, क्लाउड पे प्रिंटिंग कमांड दे देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलेंगे, नो वेंडर लॉक इन जरूरत नहीं होगी कि वेंडर्स को बुलाइए आप, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होगा, जितना मैनेजमेंट होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले करेंगे, आपको उसके लिए बॉदर नहीं करना पड़ेगा, सिंपल लाइसेंस मैनेजमेंट होगा, बस आपको हर महीने उसमें पेमेंट करना पड़ेगा और कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोअर सॉफ्टवेयर कॉस्ट और उनकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, अबंडेंट सपोर्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने वाले आपको बहुत अधिक सपोर्ट देते हैं, स्केलिंग एंड कंसोलिडेटिंग, इस तरह से आप बहुत कम उसमें ज़्यादा काम कर पाते हैं। व्हाट आर द 3 डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर इसके एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। द ड्रॉबैक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजबिलिटी, वायरलेस सम ओपन सॉफ्टवेयर इज ईजी टू यूज, मैनी प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू मीट द नीड ऑफ द डेवलपर विदाउट कंसिडरिंग यूजबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट, अब आपको जब फ्री सॉफ्टवेयर मिला तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, उसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। कंपैटिबिलिटी इशू, अगर आपका सिस्टम ऐसा है जिस पे वो कंपैटिबल नहीं होता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाइएगा। हिडन कॉस्ट, उसकी कॉस्ट हिडन होती है, आप जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सिक्योरिटी रिस्क होता है, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है अगर उसके मन में प्रॉब्लम आ गया कि इसका ये प्रोग्राम ले लें, इसका ये डेटा किसी को सेल कर दें,
तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क हो सकता है आपको, अगर वो हाईली रिलायबल कंपनी नहीं है। व्हाट आर द प्रॉब्लम विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? 5 कॉमन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हाउ दे शुड बी हैंडल। नॉट नोइंग योर सोर्स, आप कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिला ये नहीं पता है। कुछ रिप्यूटेड कंपनी जैसे गूगल यूज़ कर रहे हैं आप या माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको सोर्स पता है, लेकिन अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जो फ्री का अवेलेबल है और उसका सोर्स किसने लिखा नहीं पता है, और जनरली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो केवल एक आदमी नहीं बनाता है, जब ओपन सोर्स है तो लोग उसमें मैनेजमेंट करते जाते हैं, मैनिपुलेशन करते जाते हैं, जिससे वो सॉफ्टवेयर और डेवलप होता जाता है, तो बहुत से लोगों के बीच से होता हुआ वो आता है, तो मेन सोर्स आपको पता नहीं लगता। ग्लॉसिंग ओवर लाइसेंस रूल्स एंड रिक्वायरमेंट, आपको लाइसेंस रूल और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है तो आपको लाइसेंस नहीं है तो आपको रिस्क भी। अंडर एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है लेकिन किसी दूसरे को फ्री में एकदम दे दे रहे हैं तो उसको कॉस्ट को आप एस्टिमेट नहीं कर पाते। इकोनॉमिकल और यूजेबिलिटी, इकोनॉमिकल और यूजेबिलिटी, और इस तरह से वो आपके लिए तो इकोनॉमिकल है लेकिन जिसने मेहनत करके बनाया उसके लिए तो वो बहुत ही प्रीशियस है। फेलिंग टू मैनेज एंड मेंटेन द ओपन सोर्स पोर्टफोलियो, अब आपको क्योंकि नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की तो आप उसको ना मेंटेन कर पा रहे हैं ना उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर एक बार उसमें फॉल्ट आ जाएगी तो आप उसको फिर ठीक नहीं कर पाइएगा। इज ओपन सोर्स हायर क्वालिटी, क्या आपका ओपन सोर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, हायर क्वालिटी का होता है? ओपन सोर्स कोड इज ऑफन हायर क्वालिटी, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाई टीम ऑफ द डेवलपर्स कैन बी लो क्वालिटी, लोअर क्वालिटी देन दैट डेवलप बाई द थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि उसमें केवल एक आदमी उसको डेवलप नहीं करता है, थाउजेंड्स पूरे वर्ल्ड के लोग उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी हाई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके उसको यूज़ करके प्रोग्रामर उसको अच्छा बनाते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर, तो फिर उसका ड्रॉबैक क्या है? मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। आफ्टर सेलिंग द सॉफ्टवेयर द कंपनी हैज़ टू स्पेंड मनी टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर एंड पे इट्स डेवलपर। अगर आप सॉफ्टवेयर को सेल करते हो और फिर उसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको डेवलपर को उसके लिए पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी हर चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाती सॉफ्टवेयर में, एरर हैंडलिंग नहीं कर पाते जल्दी। If there are any bug, organization has to correct the free of cost. और अगर प्रोग्राम आपने किसी को सेल कर दिया तो आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करना पड़ेगा अगर उसमें कोई बग या एरर आ जाती है। सोर्स कोड एक्सेस, यूज़र आर नॉट हैविंग एनी राइट ऑन सोर्स कोड, और यूज़र जो इसको यूज़ कर रहा है उसको कोई राइट नहीं होता कि उसके सोर्स कोड को एक्सेस करे। गूगल इज़ द बिगेस्ट ओपन सोर्स कंपनी, तो इस तरह से गूगल तो आपको फ्री में मिल रहा है गूगल की फैसिलिटीज़, तो वो एक सबसे बड़ी ओपन सोर्स कंपनी है। अब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, ट्विटर और टेलीग्राम। टेलीग्राम तो हम भूल ही गए। तो इस तरह से हम बहुत से प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाते हैं, और आजकल तो ऐप का ज़माना आ गया है तो बहुत से ऐप भी हम लोग यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामर्स के लिए जो फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, जावा, पाइथन, MySQL, PHP, रेड हैट, अनलिमिटेड है, ASP.NET, तो आप फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने काम को ईजिली कर लेते हैं, आपको उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है अच्छा भी है और आपकी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, तो आप उसको यूज़ करिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए।
थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल पे जा कर के कम्युनिटी पे आप आंसर करिए पोल में, और वीडियो पे कमेंट करके क्वेश्चन को पूछिए जो आपको पूछना हो। थैंक यू।